अनोखी वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत साउथ अफ्रीका मैच के दौरान मैदान में आ गया सांप, देखिए फिर क्या हुआ। कहां कर्मचारियों के घर से निकला संपत्ति का खजाना और कहां एसडीएम के फर्जी साइन करके हड़प ली जमीन तो हुआ बवाल। शुरुआत करते हैं भारत साउथ अफ्रीका के बीच हुए मैच की खबर से। गुवाहाटी में दूसरा T20 मैच खेला गया। भारतीय टीम ने यहां पर पहले बल्लेबाजी की, लेकिन इस मैच में तो गजब ही हो गया। जब टीम इंडिया की पारी का 8वां ओवर चल रहा था, उस वक्त मैदान में सांप आ गया, जिसकी वजह से खेल रोकना पड़ा। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा और उपकप्तान केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे। उस वक्त मैदान में सांप की एंट्री हुई, हर कोई यहां पर हैरान रह गया और चौकन्ना होकर सांप को देखने लगा। इस बीच ग्राउंड स्टाफ दौड़े हुए मैदान में आए और सांप को पकड़कर बाहर ले जाया गया। करीब 10 मिनट तक खेल रुका रहा, जिसके बाद फिर से मैच को शुरू किया गया। दूसरी हैरान कर देने वाली खबर मध्य प्रदेश के मंडला से है। इन तस्वीरों में नजर आ रहे इतने सारे नोट देखकर ईओडब्ल्यू ही क्या, हर कोई हैरान रह जाएगा। दरअसल मंडला में दो सगे भाई और समिति प्रबंधकों के घर और दुकान पर ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की। इन दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद छापा पड़ा तो ये बात सही साबित हुई। वहीं 10 लाख रुपए कैश भी मिला है। आरोपी और उनकी पत्नी संगीता पर भी केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों भाइयों की सैलरी करीब 9000 रुपए है। फिलहाल दोनों के पास बड़ी संख्या में नगदी और जेवरात भी मिले हैं, जिसका खुलासा अभी ईओडब्ल्यू की टीम ने नहीं किया है। अभी भी ईओडब्ल्यू की जांच जारी है। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक कई धन कुबेर ईओडब्ल्यू की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। तीसरी हैरान कर देने वाली खबर यूपी के बांदा से है। बांदा में फर्जी तरीके से जमीन हड़पने का एक मामला सामने आया है, जहां जमीन हड़पे जाने से ज्यादा चर्चा उसे हड़पने की स्ट्रेटजी को लेकर है। न जाने सोशल मीडिया पर कौन सा वीडियो देखकर ये फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की गई, समझ ही नहीं आता। यूपी के बांदा में फर्जी तरीके से एसडीएम के ही साइन कर दिए गए, जिसके बाद हैरान परेशान एसडीएम ने खुद जाकर दंपत्ति के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस के मुताबिक दंपत्ति जिस जमीन पर अवैध तरह से कब्जा किए था, उसे कोर्ट के आदेश पर कुछ दिन पहले ही गिराया गया था और इसी जमीन को हड़पने के लिए एक महिला और उसके पति ने एसडीएम के नाम से आदेश करते हुए लिखा कि ये जमीन इस महिला को आवंटित की जाती है। इतना ही नहीं, बकायदा नीचे एसडीएम के फर्जी सिग्नेचर तक कर डाले। अगर आपको लग रहा है कि दंपत्ति ने मिलकर इतना ही खेल खेला है, जी नहीं, आप यहां गलत हैं। एसडीएम के नाम से फर्जी सिग्नेचर करने के साथ साथ बकायदा मुहर तक लगाई गई और उसे जिम्मेदार अधिकारियों तक को दे दिया गया। जब जांच हुई तो वो फर्जी निकला और एसडीएम विकास यादव को इस बात का पता चला तो वो सीधा पहुंच गए थाने, जहां उन्होंने दंपत्ति के खिलाफ धोखाधड़ी समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया। न्यूज़ तक ब्यूरो।